हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज कंडक्टेड बाय सनराइज पब्लिक सेकेंडरी स्कूल थोड़ी गुड़ागोड़ जी। आज की क्लास में हम चैप्टर सेवन की एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रूव द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। इस क्लास में हमने कुछ आइडेंटिटीज लर्न की थी। उस आइडेंटिटीज का यूज करते हुए ये जो आपको प्रूव करना है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से हम सोल्व करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कोस स्क्वायर थीटा वन टर्म है और कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा अगला टर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें से दोनों टर्म में से जो कॉमन है उसको कॉमन लेंगे। तो कॉमन इसमें है कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा वन, प्लस यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा कोट स्क्वायर थीटा। इसके एलएचएस साइड को हम आरएचएस के इक्वल प्रूव करेंगे और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा को वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा और ये क्या है आरएचएस, ये प्रूव हो गया। हैंस प्रूव। नेक्स्ट सेक थीटा ब्रैकेट वन माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू वन आपको प्रूव करना है। तो इसकी भी एलएचएस साइड जो है वो हम लेंगे, सेक थीटा इन दोनों से मल्टीप्लाई है, सेक थीटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सेक थीटा। अब सेक थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये माइनस का साइन तो माइनस और आएगा सेक थीटा डॉट साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, सेक थीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगला जो इसको एज इट इज रखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो सेक थीटा माइनस सेक थीटा की जगह पर लिख सकते हैं वन अपॉन कोस थीटा, वन अपॉन कोस थीटा डॉट साइन थीटा और इसको एज इट इज रखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आगे देखो सेक थीटा माइनस वन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा, इसको एज इट इज रखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक थीटा प्लस
टेन थीटा, ये एक आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी और ए प्लस ए बी। वी नो दैट ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक थीटा ए है, टेन थीटा बी है, तो ए माइनस बी सेक थीटा ए और टेन थीटा बी, तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ। ए की वैल्यू है सेक थीटा, तो सेक थीटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ आ जाएगा, बी की वैल्यू है टेन थीटा, तो टेन थीटा स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन, और ये क्या है आर एच एस है, ये देखो एंस प्रूड। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम सोल्व करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, प्रूव करना है कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ही देख ले सकते हैं, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। एल एच एस सोल्व कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे दोनों का, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी जो वैल्यू है वो होती है वन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन, तो लिखेंगे वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आएगा। इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट, इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है आर एच एस है, ये देखो ये आर एच एस है। हैंस प्रूव। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम हो और रूट लगा हो, सिर्फ इनके साइन ही अलग अलग हो, तो एक ट्रिक जो है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इसकी एल एच एस ले लेते हैं पहले, एल एच एस साइड एल एच एस यहाँ दे रखी है अपने को, रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, ये लेंगे, इसको सोल्व करेंगे और आर एच एस के बराबर इसको प्रूव करेंगे। इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन हो जिसमें साइन अलग अलग हो बाकी सारे सेम हो, जैसे यहाँ माइनस का साइन है नीचे प्लस का साइन है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट लगा हुआ है, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों को अंडर रूट यहाँ जो भी साइन है उसको चेंज करके, यहाँ प्लस का है तो माइनस, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा से न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और वन माइनस साइन थीटा से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस कर देंगे दोनों साइड में
न्यूमिरेटर और डेनोमिनेटर के साथ सेम प्रोसेस करेंगे। देखो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाई किससे करेंगे, अंडर रूट ऐसा ही दिया हो तो वन माइनस, यहाँ प्लस का साइन को माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, वन माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइंग द न्यूमिरेटर एंड द डेनोमीटर बाई वन माइनस साइन थीटा। इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें अंडर रूट लगा हुआ हो और न्यूमिरेटर और डेनोमीटर दोनों सेम हो लेकिन साइन अलग अलग हो, तो डेनोमीटर का जो साइन है वो चेंज कर देंगे, प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का, दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर और डेनोमीटर, तो क्या होगा अंडर रूट ये दिया हुआ पहले ये लिखेंगे वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे वन माइनस साइन थीटा से न्यूमिरेटर को और डेनोमीटर को भी वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस होगी और यहाँ से काटना चाहे तो ये से कट जाएगा और वन आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, न्यूमिरेटर और डेनोमीटर के साथ हम सेम प्रोसेस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, तो आ जाएगा रूट वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो आएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वी नो दैट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो अपन लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब ये रूट हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो इनके जो तो स्क्वायर है वो हट जाएंगे और आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये अनरूट हटाएंगे, अनरूट हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा और इसका भी स्क्वायर हट जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इन दोनों के नीचे है ये तो वन अपॉन कोस थीटा माइनस का साइन है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वन अपॉन कोस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा, यही आपको दिया हुआ है आरएचएस, हैंस प्रूफ।